देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए सभी पैंतरे अपना रही है, लेकिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो विरोधी दलों के निशाने पर आ रही है। ऐसे में अब वो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिलने के मामले में घिर गई है, और इस मामले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ ने सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की बेल पर कहा कि इन लोगों को पीएम और गृह मंत्री का संरक्षण है, तभी ये लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। शिवपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कर्नाटक के हिजाब विवाद पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कोई क्या पहने, इसका लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, कौन क्या पहनता है इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए, हिजाब पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिवपाल ने कहा, जब चुनाव आते हैं बीजेपी मंदिर मस्जिद और हिजाब जैसे मुद्दों पर राजनीति करती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, देश टूटेगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जसवंत नगर सीट से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में विरोधी पार्टियों के आरोप के चलते सत्ताधारी पार्टी प्रदेश में बैकफुट पर आ गई है, जिससे उसके लिए अपनी सत्ता बचा पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है।